ओ शांति। सभी संकल्पों को मर्ज करके अपने आप को देखे। इस देह रूपी मंदिर में विराजित मैं एक चैतन्य मूर्ति हूं। मैं विदेही आत्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं पवित्र हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ महान पुण्यात्मा हूं। अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखे पुण्यात्मा के सभी लक्षण स्वयं में। हर सेकंड हर संकल्प अपने प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने वाला कराने वाला मैं पुण्यात्मा हूं। मैं सदा अविनाशी खजानों का महादान करके पुण्य कमाने वाला पुण्यात्मा हूं। मेरे नैनों में सदा बाप दादा की मूरत है। मेरे सूरत में सदा बाप दादा की सीरत है। स्मृति में मैं बाप समान समर्थ हूं। मेरे मुख में सदा ज्ञान रत्न है। अमूल्य बोल है। हर कर्म में बाप समान चरित्र है।
सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति हर सेकंड हर संकल्प अपने कल्याणकारी रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाला मैं पुण्यात्मा हूं। अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को सुख शांति के अविनाशी खजानों से भरपूर करके साहूकार बनाने वाला मैं पुण्यात्मा हूं। मैं डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्यात्मा हूं, इसलिए मुझ ज्ञान स्वरूप पुण्यात्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है। मुझ पुण्य आत्मा को महादानी आत्मा को डायरेक्ट परमात्मा द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। मेरे पास ऑलमाइटी सत्ता है। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर अपने पुण्य की पूंजी के आधार पर अपने शुद्ध संकल्पों के आधार पर मैं किसी भी आत्मा प्रति जो चाहूं वो उसको बना सकता हूं। मेरे एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो मैं किसी भी आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़कर उसे अविनाशी संपत्ति से मालामाल बना सकता हूं। मुझे डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त है। मैं अपने एक संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकता हूं। मैं ऐसा श्रेष्ठ पुण्यात्मा हूं
मुझ पुण्य आत्मा को बाबा द्वारा जो सत्ता मिली हुई है, जो अथॉरिटी मिली हुई है, बाबा द्वारा जो सर्व अधिकार मिले हुए है, ऑलमाइटी सत्ता की वैल्यू को जानकर मैं उसे यथार्थ रीति से यूज करता हूं। मुझ श्रेष्ठ आत्मा को साक्षात ईश्वरीय सत्ता प्राप्त है। मेरा एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का संकल्प किसी भी आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने का साधन है। अपने एक संकल्प के आधार से मैं किसी भी आत्मा की तकदीर बदल सकता हूं। अपने एक संकल्प के आधार से मैं किसी भी बदनसीब आत्मा को श्रेष्ठ तकदीरवान बना सकता हूं। मेरा एक संकल्प ऐसा स्विच है जिसे ऑन करके मैं सेकंड में अज्ञान अंधकार मिटा सकता हूं। मैं पुण्यात्मा हूं। मेरा एक संकल्प ऐसा रूहानी चुंबक है जो किसी भी आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। मुझ पुण्य आत्मा का एक संकल्प ऐसा लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाता है। मुझ पुण्यात्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतल बनाने वाला है। मैं पुण्यात्मा हूं। मेरा संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों में फंसी हुई परतंत्र आत्माओं को स्वतंत्र बनाने वाला है। मुझ पुण्य आत्मा के संकल्प में
ऐसी विशेष शक्ति है जो मैं अपनी संकल्प शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकता हूं। मन मना भव के महामंत्र द्वारा विकारों के वशीभूत आत्माओं को जुगनू के समान उड़ा सकता हूं। जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, वैसे मैं पुण्यात्मा अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकता हूं। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा कहते हैं, बच्चों हर समय पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जानकर हर संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पद्मपति भी नहीं कर सकते, वो आपका एक संकल्प और आत्माओं को पद्मा पद्म पति बना सकता है। तो आपकी संकल्प शक्ति कितनी श्रेष्ठ है, चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। गवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा और जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे। कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में झूलेंगे और गवाने वाले झूले में झूलने वालों को देखकर अपनी खाली झोली को देखते रहेंगे। बच्चों आप सब तो झूलने वाले हो ना, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।